नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 20 लाख लोगों को अब तक नहीं लगा है कोरोना का एक भी टीका। ओमिक्रॉन के दस्तक के साथ ही बिहार सरकार ने शुरू की तैयारी। बिहार में कोरोना के दैनिक मामले 100 के पार। बिहार में भारी संख्या में हुआ IPS अधिकारियों का तबादला। बिहार के कई जिलों में DM का हुआ तबादला। चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने शुरू की तैयारी। कोरोना संक्रमण के मामलों में बिहार में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर बीते कुछ दिनों से बिहार में मामलों में अचानक से ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार में इसके रोकथाम और उपचार को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है। राज्य के अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने से लेकर इमरजेंसी में हर प्रकार की सुविधा उन्नत की जा रही है। खासकर राज्य के बड़े अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस तरह जांच और जांच रिपोर्ट समय पर आने के लिए भी विभाग ने तैयारी कर ली है। राज्य सरकार ने संक्रमण को देखते हुए पहले ही नए साल पर सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाली भीड़ को लेकर कुछ पाबंदियां लागू कर दी है। साथ ही मास्क पहनने की अनिवार्यता और ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए धावा दल भी मौजूद कर दिया है। बिहार में कोरोना के दैनिक मामले 100 के पार। जिस तीसरी लहर को लेकर सरकार लगातार अलर्ट जारी कर रही थी, वो तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है। आलम कुछ यूं है कि कोरोना के नए वेरिएंट से देश भर में आ रहे मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में भी बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 132 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 333 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गया में 46, बक्सर में 3, दरभंगा में 1, जमुई में 3, जहानाबाद में 3, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 2, मुंगेर में 5, रोहतास में 2, सहरसा में 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं बीते 24 घंटे में बिहार में कोरोना के 162,039 लोगों के सैंपल की जांच की गई है और 17 मरीज ठीक होकर इस दौरान घर वापस लौटे हैं। बिहार में भारी संख्या में हुआ IPS अधिकारियों का तबादला। आज साल का आखिरी दिन है। हालांकि साल के आखिरी दिन से एक दिन पहले ही बिहार में भारी संख्या में तबादला देखने को मिला। गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए पहली सूची के अनुसार 21 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया। वहीं उसके बाद दूसरी सूची जारी करते हुए 29 और IPS अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसके तहत विनय कुमार को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक सह अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर को महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो वहीं दरभंगा के SSP बाबूराम को भागलपुर का SP बनाया गया। समस्तीपुर के SP मानवजीत सिंह ढिल्लों को पटना का वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। जमुई के SP प्रमोद कुमार मंडल को पटना का रेल पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं शिवदीप लांडे को DIG सहरसा, DIG गृह रक्षा वाहिनी, प्रेमलता को DIG निगरानी के पद पर पदस्थापित किया गया है। SSP पटना उपेंद्र शर्मा को DIG शाहबाद, सत्यवीर सिंह को DIG बेगूसराय बनाया गया है। पक्षियों से गुलजार हो गया गोगाबिल झील। बिहार के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो रहे कटिहार गोगाबिल झील आपके पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक हो सकता है, क्योंकि यहां देशी विदेशी पक्षियों का आगमन तेजी से हो रहा है। यहां घूमने आए लोगों का कहना है कि हर साल इसी समय बड़ी संख्या में देश विदेश से अलग अलग प्रजाति के पक्षी यहां पहुंचते हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। अब इस जगह को पक्षियों के लिए अच्छे से विकसित किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पक्षियों को संरक्षण करने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटन बढ़ने के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। बिहार के कई जिलों में DM का भी हुआ तबादला। बिहार में बड़े स्तर पर IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, जिसके तहत ही बीते दिन बिहार के कई जिलों में DM को भी बदल दिया गया है, जिसके तहत CM नीतीश कुमार के खासम खास और बिहार के विकास आयुक्त आमिर सुभानी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। गया के DM अभिषेक सिंह को स्थानांतरित करते हुए बुड़को का MD बनाया गया। वित्त विभाग के विशेष सचिव गोरखनाथ को स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया। राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक अनिमेश परासर को पटना नगर निगम के आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन दरभंगा का उन्हें DM बनाया गया है। बिहार के लगभग 15 जिलों के 176 बालू घाटों की होगी ई नीलामी। बिहार के लगभग 15 जिलों के 176 बालू घाटों की ई नीलामी होने जा रही है। इसको लेकर अब सरकार नए सिरे से बालू घाट की बंदोबस्ती का काम शुरू करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार
कुछ दिनों से शुरू की गई बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने 15 जिलों में इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत पटना के साथ साथ 15 जिले औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, पटना, लखीसराय, जमुई, गया, सारण, अरवल, बांका, बेतिया, बक्सर, किशनगंज, मधेपुरा और वैशाली के 176 बालू घाटों की ई नीलामी होगी। इसको लेकर बिहार राज्य खनन निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक बंदोबस्तधारियों को ई नीलामी के लिए 7 जनवरी तक आवेदन करना होगा। कोरोना पीड़ितों को घर बैठे मिलेगी दवा। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने डाक विभाग के साथ एक विशेष पहल की है, जिसके तहत बिहार का डाक विभाग अब कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त में दवा पहुंचाने वाली है। इसको लेकर डाक विभाग और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की नोडल एजेंसी के बीच कई बार बैठक हो चुकी है। बातचीत की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य में कुल 9,117 डाकघर हैं। इनमें 33 प्रधान डाकघर, 1,040 उपडाकघर तथा 8,044 शाखा डाकघर है। प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य विभाग नोडल एजेंसी के स्तर पर दवाएं डाक विभाग को उपलब्ध कराएगा। कोरोना पीड़ित रोगी के नजदीकी डाकघर के माध्यम से दवाएं उसके घर या जहां वो आइसोलेट होगा वहां पहुंचा दिया जाएगा। आज से बिहार में दिखेगी पछुआ हवाएं। बिहार में आज से पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है, जिससे बिहार में ठंड का सितम अब और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस बार नए साल का आगमन ठंड के साथ होने वाला है। इसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह से ही बिहार की पटना समेत कई जिलों में पछुआ हवा का प्रवाह दिख रहा है, जिससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं इसके साथ ही राज्य के कुछ जगहों पर मध्यम और घने स्तर का कोहरा छाने की आशंका है और 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान भी जताया गया है। वहीं गुरुवार की बात करें तो राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के स्तर पर बारिश हुई और बादलों की लुकाछुपी भी चलती रही। आपको बता दें कि गुरुवार को गया और बांका में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 10 डिग्री सेल्सियस के साथ जीरादेई का सबसे ठंडा रहा। बिहार में 20 लाख लोगों को अब तक नहीं लगा है कोरोना का एक भी टीका। बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही उछाल को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट होकर काम कर रहा है। वहीं कोरोना से बचाने के लिए बिहार सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन की जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में तीसरी लहर के आगमन के बीच लगभग 20 लाख लोगों को अब तक एक भी टीका नहीं लगा है। हालांकि इन सब के बीच सरकार 3 जनवरी से वैक्सीनेशन के दूसरे अभियान की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन अभी बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। सरकार भी इस बात को लेकर काफी चिंतित है। मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को निगरानी ने किया तलब। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार विश्वविद्यालयों में कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, जिसमें मगध विश्वविद्यालय का नाम सबसे पहले उजागर हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। इसी बीच जांच के दायरे को बढ़ाते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रहे बिहार विशेष निगरानी इकाई ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को तलब किया है। निगरानी विभाग के विशेष सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार उनसे पूछताछ के दौरान निगरानी विभाग को कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, जिस वजह से पूछताछ के लिए निगरानी विभाग के द्वारा तलब किया गया है। अपने बीमार गुरु से मिलकर भावुक दिखे सीएम नीतीश। बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार इन दिनों बिहार के विभिन्न जिलों में समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन समस्तीपुर जिले के दौरे पर थे, जहां वो भगवानपुर कमला गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने बीमार वृद्ध शिक्षक नंद किशोर प्रसाद सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और अपने बचपन के शिक्षक का चरण स्पर्श किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नंद किशोर प्रसाद सिंह श्री गणेश सिंह हाई स्कूल बख्तियारपुर के अवकाश प्राप्त शिक्षक है, जिनसे मुख्यमंत्री ने शिक्षा ग्रहण किया था। उम्र दराज होने के कारण नंद किशोर प्रसाद सिंह बीते कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग के बीच बिहार को विशेष सहायता देने की उठी मांग। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग देने की खबरें आप बीते कई दिनों से लगातार पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब बिहार सरकार की तरफ से इस मांग को साइडलाइन करते हुए विशेष सहायता देने की मांग उठाई गई है। ज्ञात हो बीते दिन ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्री, वित्त सचिव और अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। बैठक में तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के लिए विशेष सहायता अनुदान की मांग रखी है। इस बाबत उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा दर्शाया गया है, वैसे ही बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में 1 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा 1 जनवरी को बिहार
के पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं, जिसके तहत ही उन्हें पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल हाईकोर्ट शताब्दी भवन के लॉबी में सुबह 11 बजे के आसपास पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही पटना हाईकोर्ट के जज वीरेंद्र कुमार का स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम की अनुशंसा पर उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। झारखंड की तर्ज पर बिहार में पेट्रोल के दाम कम करने की उठी मांग। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में राशन कार्डधारियों के लिए पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की है, जिसके बाद बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है, जिसके तहत अब इस मुद्दे को राजद ने जोर शोर से उठाया है। इसको लेकर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि अगर बिहार सरकार पेट्रोल की कीमतें कम नहीं करती तो जनता जरूर इसका हिसाब लेगी। इस बाबत उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता वर्तमान एनडीए सरकार से उब चुकी है, अगले साल बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो हम भी झारखंड की तर्ज पर बिहार में पेट्रोल की कीमत कम करेंगे। सेंचुरियन में ऐतिहासिक जीत के बाद कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को दी सलामी। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने के प्रयास में लगी भारतीय क्रिकेट टीम ने सेंचुरियन में पहला टेस्ट में 113 रनों से जीत दर्ज की है। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच के पांचवें दिन टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को दूसरी पारी में 191 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सेंचुरियन में भारत ने पहली बार टेस्ट मैच जीतकर इतिहास तोड़ा चाहिए। साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद कई दिग्गजों ने टीम इंडिया को सलाम किया है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण तक ने टीम की उपलब्धि की जमकर सराहना की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गोनल शर्मा, मिथुन कुमार पंडित, अभिनंदन सिंह, सौरभ मिश्रा, नरेश कुमार, रविनंदन कुमार, विपुल कुमार, आदिल हुसैन, मुन्ना यादव, गजेंद्र सिंह, नुनू कुमार, सत्यार्थ कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज साल का आखिरी दिन है तो आपकी जिंदगी में इस साल सबसे अच्छी चीज क्या रही, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।